ऑल अबाउट स्ट्रमिंग। जी हाँ गाइज, ऑल अबाउट स्ट्रमिंग नाम की हम एक सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रमिंग पैटर्न्स को इंक्लूड करते हैं। एंड गाइज, ये है स्ट्रमिंग पैटर्न नंबर 9। तो गाइज, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूँ रवि सिंह, और अगर आप देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को पहली दफ़ा, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गिटार से रिलेटेड हम इसके ऊपर वीडियोज डालते रहते हैं। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हो स्ट्रमिंग पैटर्न की, जिसको कि हम इस वीडियो के अंदर एनालाइज करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो गाइज, स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड में प्ले होता है। बहुत सारे गानों में इसको यूज़ किया जाता है, मैं भी करता हूँ बहुत सारी वीडियोज़ में। तो पहले देखते हैं वो प्ले कैसे होगा, उसके बाद उसको करेंगे ब्रेक डाउन। तो गाइज, स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ ऐसा है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। गाइस, क्या है इस पैटर्न में? बहुत ज़्यादा कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न है, लेकिन इसको समझना, इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका जो गाना है वो बेहतरीन साउंड करेगा। देखिए, इसमें है हमारे टोटल 12 स्ट्रोक्स विद 3 पॉजेस। तो कैसे है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आपके पास इस समय गिटार है तो उठा लीजिए, मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है आपके लिए। तो समझिए इसको कि है क्या इसमें। पहले हमारा सिंगल डाउन स्ट्रोक आएगा, डाउन, फिर हमारा पॉज आएगा, उसके बाद आएंगे आपके 4 स्ट्रोक्स इकट्ठे। कौन से स्ट्रोक हैं वो 4? अप डाउन अप डाउन। फिर हमारा सेकंड पॉज आएगा, उसके बाद आएंगे हमारे 3 स्ट्रोक्स इकट्ठे। कौन कौन से? अप डाउन अप। फिर हमारा थर्ड पॉज आएगा, उसके बाद हमारे लास्ट में आएंगे 4 स्ट्रोक्स इकट्ठे। कौन कौन से? डाउन अप डाउन अप। तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है, जो जो पॉजेस मैंने आपको बताए, उसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है? डाउन अप 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 डाउन अप। जब आप इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करने के बाद फ्लो देंगे, थोड़ा स्पीड देंगे, थोड़ा कंट्रोल आएगा आपके हाथ में, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो जब आप इसको फिर प्ले करेंगे तो कैसा साउंड करेगा ये? ओके गाइस, तो आई होप आपको इस स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो अब एग्जांपल के लिए एक गाने को प्ले करके देख लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे ये अप्लाई होता है गानों के अंदर। तो गाइस, एग्जांपल के लिए एक गुरु रंधावा का गाना ले लेते हैं, गाने का नाम है साइंस। एंड उसको प्ले करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल से 3 गिटार कॉर्ड्स आने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गिटार कॉर्ड्स कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। तो गाइस, जो मेरा पहला गिटार कॉर्ड है वो है ई माइनर, हमारा दूसरा गिटार कॉर्ड है डी मेजर, एंड हमारा थर्ड एंड लास्ट गिटार कॉर्ड है सी मेजर। तो गाइज, अगर आपको ये 3 गिटार कॉर्ड्स को प्ले करना आता है, तो आप ये गुरु रंधावा का जो गाना है उसको इस स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ बहुत ही अच्छे से प्ले कर पाएंगे। तो चलिए गाइज, अब प्ले करके देखते हैं इस गाने को। अपनी तुदे के है निशानिया, आपे मंग लिया मेरे कोलो सोनी। अपनी तुदे के है निशानिया, आपे मंग लिया मेरे कोलो सोनी। पहला दिन दिसी तू नफे होण हानिया, आपे मंग लिया मेरे कोलो सोनी। पहली पहली वार मैनू होया सी प्यार, पर पहली पहली वार मेरा दिल तोड़ता। पता नहीं किसे दिया गल्ला विच आके है नी, गल्ला विच आके मेरा सब मोड़ता। सारे छले ते मुंदिया ते गानिया, आपे मंग लिया मेरे कोलो सोनिए। अपनी तू देके है निशानिया, आपे मंग लिया मेरे कोलो सोनिए। तोड़िया यकीन मेरा
करके प्यार मैनू किसे ते यकीन होना नहीं। लिख के तू ले ले मेरी गल मेरी सोनिए हाय गुरु ने ता किसे लई भी रोना नहीं। पर सागर जिन्ना अखियां च पानिया आपे मंग लिया मेरे कोलों सोनिए आपे नी तू देके है निशानिया आपे मंग लिया मेरे कोलों सोनिए। दिंदी सी तू नफे हुण हानिया आपे मंग लिया मेरे कोलों सोनिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।